पेट का दर्द नुस्खे। हरण को घी में भुने, फिर उसे पीसकर चूरण बना ले। इसमें से दो चुटकी चूरण गर्म पानी से सेवक करें। अपान वायु छूटने के बाद पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। एक चम्मच अदरक का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटें। नींबू के रस में एक चुटकी काला नमक, पीसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च और पिसा हुआ जरा सा जीरा मिलाकर बूंद बूंद रस का सेवन करें। आधा चम्मच जीरा पीस लें, फिर उसमें जरा सा शुद्ध शहद मिलाकर धीरे धीरे चाटें। एक चम्मच अजवाइन, एक चुटकी हींग और दो चुटकी काला नमक सबको मिलाकर फंकी मारें। ऊपर से गर्म पानी पी लें। सूखा पुदीना पानी में घोलकर उसमें जरा सी शक्कर और एक चुटकी नमक मिलाकर सेवन करें। आधा चम्मच पिसी हुई सौंठ, एक चुटकी सेंधा नमक, एक चुटकी काला नमक तथा जरा सा हींग सबको पानी में घोलकर गुनगुना करके पिएं। दालचीनी और जरा सी हींग मिलाकर पीस लें, फिर इसे थोड़े से पानी में घोलकर पी जाएं। आधी चुटकी पीसी हुई लाल मिर्च को गुड़ में मिलाकर खाने से भी पेट का दर्द रुक जाता है। थोड़े से जीरे को सूखे तवे पर भून लें, फिर उसे पीसकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करें। सौंफ में सेंध नमक मिलाकर खाने से भी पेट का दर्द रुक जाता है। एक चम्मच तुलसी का रस और एक चम्मच अदरक का रस गर्म करके पीने से पेट के दर्द में काफी लाभ होता है। अमरूद की थोड़ी सी नई पत्तियों को लेकर पीस लें, फिर उनको पानी में घोलकर सेवन करें। आधा चम्मच लहसुन का रस लेकर उसमें एक चुटकी काला नमक मिला लें। इसे धीरे धीरे पीने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। मूली के दो चम्मच रस में चार दाने काली मिर्च पीसकर मिला दें, फिर इसमें एक चुटकी नमक मिलाकर सेवन करें। अफरा होने पर प्यास के रस में काली मिर्च का चूरण मिलाकर पिएं। अजवाइन का चूरण पानी में घोलकर पेट पर मलने से अपान वायु निकल जाती है। पके हुए जामुन का शरबत पीने से पेट का दर्द रुक जाता है। खरबूजे के छिलके को जलाकर भस्म बना लें, इसमें जरा सा काला नमक मिलाकर सेवन करें। एक चुटकी लौंग का चूरण पानी में घोलकर पीने से गैस बाहर निकल जाएगी, इससे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा।